वसई विरार में दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों मर्डर की केस हमने वसई विरार इलाकों में करीबन देखे। आज नालासोपारा पूर्व के शिरडी नगर इलाके से एक पति ने अपने पत्नी की किसी कारणवश हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या किस वजह से की गई इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची तुलिंज पुलिस स्टेशन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई में जुट गई है और तुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया जरा सुनिए। तिसरा एक हत्या झालेली आहे, काय पूर्ण घटना ही? या ठिकाणी एक मर्डरचा गुन्हा आम्ही दाखल करत आहोत। जी गुन्ह्याची माहिती आहे प्राथमिक स्वरूपात तर आमच्याकडे एवढीच माहिती आहे की एका महिलेचं या ठिकाणी खून झालेला आहे। आरोपीचं जे आहे मला ते लोकेशन मिळालं, आमच्या टीम त्या ठिकाणी रवाना झालेले आहे, बाकी पुढील तपास आम्ही करत आहोत। नेमकी हत्या कोणत्या कारणामुळे आणि कोणी केलेली आहे काय प्राथमिक माहिती? प्राथमिक माहिती आहे आमच्या समोर, सुद्धा आता अजून या पाहिजे दाखल करायचं काम सुरू आहे आमचं घटनास्थळ। बाकी माहिती तुम्हाला इतर मिळेल, सध्या तपासाचा भाग सुरू आहे आणि एका महिलेचं मर्डर झालेला आहे। सर, ये दोन दिन में तिसरी हत्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी ये हर एक के ऊपर डिपेंड है कि मतलब क्या करने का और क्या नहीं करने का, ये तो आपस का मामला ही इनका, इसी वजह से आगे पता चला। सर, पूरी मामले की जांच अब किस तरह से चल रही है, क्या अभी आगे आरोपी है? आप आरोपी के लिए हमारी टीम रवाना हुई है, बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इधर पंचनामा चालू है और बाकी उधर जो है वो ये पैर दाखिल करने का काम चालू। अभी शुरुआती जांच में कुछ जानकारी प्राप्त हुई किस? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तो ये प्राइमरी स्टेज पर है। थैंक यू सर, थैंक यू।